इसी ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज हम बात करने वाला हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक का। हमको कमेंट आया था किस तरह एयरटेल पेमेंट बैंक का हम लोग मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा मोबाइल नंबर गुम हो चुका है तो हम लोग किस तरह से मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। मैं पूरी इस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या चेंज होने वाला है या नहीं चेंज होने वाला है। तो पूरी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन को और दिखाता हूँ किस तरह से क्या अपडेट आया है एयरटेल पेमेंट बैंक के तरफ। सबसे पहले उससे पहले चैनल पर नए जो आपको सब्सक्राइब कीजिए, आने वाला बेल आइकन को भी प्रेस की ताकि मिलता रहेगा आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट। सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलते मोबाइल के स्क्रीन को, देखता हूँ क्या अपडेट होने वाला है नंबर या नहीं होने वाला। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर, ओपन करके रखा हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक को। कैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में आने के बाद मैं जब आप कमेंट किए कि सर हम लोग किस तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक का नंबर चेंज कर सकते हैं, तो पूरे छानबीन करना शुरू कर दिया एयरटेल पेमेंट बैंक में आने के बाद। तो कैसे सबसे पहले मैं आ गया मोर एप्लीकेशन पर, कैसे देखेंगे इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मोर का। तो फिर मैं मोर पर आया, मोर पर आने के बाद हमको बहुत सारा इधर ऑप्शन मिल गया। तो मैं जब सबसे पहले गया सेटिंग में, चलो मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस जैसे मैं सेटिंग पे गया था इधर हमको एक दिखाई दिया पेमेंट सेटिंग में, पेमेंट सेटिंग पे क्लिक किया। तो पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करता हमको सिर्फ आपको इधर देख पाएंगे, आपको सिर्फ वॉलेट इधर आप लिंक कर सकते हैं जो कि आपके अमेजन वॉलेट भी इधर लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो भी है फोन पे कर सकते हैं या पेटीएम आपको वॉलेट है तो पेटीएम वॉलेट भी इधर से आप लिंक कर सकते हैं। बट इधर हमको जो भी मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन मिला ही नहीं, तो चलो सबसे इधर इसको स्किप किया मैं। उसके बाद गाइस हमसे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन यानी अगर आप का पेमेंट कोई आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप किस पे आप देखना चाहते हैं, या अपने मैसेज के थ्रू देखना चाहते हैं या व्हाट्सअप के थ्रू देखना चाहते हैं, तो इधर आप इनेबल कर सकते हैं। ये सब हमको इधर अपडेट ये मिला। उसके बाद गाइस मैं अभी जो देखेंगे ऐप अथॉरिटी में आया था, हमको लैंग्वेज दिखाया गया और स्टार्ट ऐप विथ पेमेंट पेमेंट बैंक का हमको एक ऑप्शन मिल गया। बट हमको इस इधर भी कुछ हमको चेंज का ऑप्शन मिला ही नहीं। क्या उसके बाद मैं क्या किया, सबसे पहले मैं ऊपर गया क्योंकि हमको ढूंढना था कि चेंज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं सब चेंज पे भी क्लिक कर दिया, तो चेंज पे मैं आया ऊपर देखेंगे तो उसमें क्या हमको एक ऑप्शन मिल गया एडिट का। तो मैं एडिट पे आया, उसके बाद हमको ये दिखा गया कि एयरटेल पेमेंट बैंक का यही मेरा मोबाइल नंबर है। गाइस सबसे पहले एक कस्टमर केयर से सपोर्ट किया कि सर मैं अपना जो मोबाइल नंबर अगर मेरे पास पेटीएम या सॉरी एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है, अगर अदरवाइज मेरा ये नंबर गुम हो गया यानी चोरी हो गया तो क्या मैं इसका मोबाइल नंबर चेंज कर सकता हूँ। तो हमको कस्टमर ने समझाया कि नहीं, आप इसका जो अकाउंट नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर रहता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दूसरा यही मोबाइल नंबर आपको लेना पड़ेगा जो कि आपको 175 रुपया उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको खर्चा होगा। जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस है फिलहाल में, वो बैलेंस आपको जब आप दूसरा सिम स्टार्ट करेंगे यानी रीएक्टिवेट करेंगे सिम को, तो उसी सिम में आपको फिर से यानी वही अकाउंट नंबर आपका हो गया और वही अकाउंट में आपको जितना भी बैलेंस था वो रिकवरी कर दिया जाएगा। यानी वही बैलेंस में यानी वही अकाउंट में आपका सब बैलेंस शो हो जाएगा, तो आप सब उधर से सब बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अगर मोबाइल नंबर चेंज करने की हम बात करते हैं तो आप इसका ब्रांच में भी जाएंगे तो इसका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है, सिर्फ आप चेंज करवाना चाहते हैं मोबाइल सॉरी ईमेल आईडी चेंज करवा सकते हैं या एड्रेस कोई गलत है एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं, मेल है फीमेल है ये सब चेंज करवा सकते हैं, अदरवाइज नाम कुछ में गलत हुआ है नाम का तो आपको नाम भी इधर चेंज करवा सकते हैं जो कि एडिट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एडिट में आपको क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आपको जो भी चेंज इधर से करना है आप चेंज कर सकते हैं जो कि इधर सब कुछ इधर से चेंज होता है। तो बट अब मैं एड्रेस प्रूफ सब सब चेंज कर सकते हैं बट मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि पूरे ऑफिशियली इसका जो है रिक्वायरमेंट दिया गया है जो कि हाँ आप कभी भी इसका मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कि सपोर्ट की अगर बात हो जाए तो इधर आपको सब सपोर्ट मिल जाएगा बट हाँ मोबाइल नंबर आपको कभी भी चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट नंबर है। इसका इसके लिए आपको जो भी आपको बैलेंस अगर आपको अदरवाइज आपका मोबाइल नंबर गुम हो चुका है या कहीं चोरी हो गया है तो आपको नया एक सिम कार्ड लेना पड़ेगा जो कि यही मोबाइल नंबर से आपको चालू होता है, रीएक्टिवेट करना पड़ता है। और रीएक्टिवेट करवाने के बाद आपको जो भी बैलेंस भी रहेगा सिम में आपको वही बैलेंस भी आ जाएगा और उसको आपका बैंक अकाउंट में जितना भी कैश था बैंक अकाउंट में वो बैलेंस भी आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यही एक अपडेट था जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से। बट अभी तक आपको कोई भी अपडेट भी ऐसा नहीं मिला है कि आप सब मोबाइल नंबर इसमें चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं पूरे ऑफिशियली वर्क के थ्रू मैं इसको चेंज करने की कोशिश किया, जो कि मैं कस्टमर केयर का भी सपोर्ट लेना चाहा बट उधर भी हमको जाके यही अपडेट आया कि आप मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते, ईमेल आईडी पर नाम डेट ऑफ बर्थ ये सब आप चेंज कर सकते हैं बट मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको यही अकाउंट को चलाना ही पड़ेगा। तो गाइस यही एक अपडेट था जो कि फाइनली मैं आप सबको दे दिया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।